नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। हिलोपा ने जारी किया घोषणा पत्र, बेरोजगारी भत्ते से लेकर कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नौकरी को बंद करने की कई घोषणाएं शामिल। भाजपा छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे दामोदर चौहान ने चैल चौक में खुला चुनावी कार्यालय, साथ में किया शक्ति प्रदर्शन। इंद्र सिंह गांधी ने तेज किया अपना चुनाव प्रचार, नुक्कड़ सभाओं में कर रहे भाजपा सरकार की उपलब्धियों का गुणगान। और IIT स्टूडेंट्स की करतूत पर कोई कार्रवाई न होने पर भड़के हिंदू संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ता, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश लोकहित पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हिलोपा सुप्रीमो महेश्वर सिंह ने पार्टी के घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र में बेरोजगारों से लेकर दिहाड़ीदारों तक के लिए कई लुभावने वायदे किए गए हैं। बेरोजगारों के लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर बेरोजगारी भत्ता देने की बात भी घोषणा पत्र में शामिल की गई है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमाचल लोकहित पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में पेंशनरों को पंजाब की तर्ज पर पेंशन सुविधा देना, गरीबों को 2 बिस्वा भूमि मकान बनाने के लिए देने और मजदूरों की दिहाड़ी को बढ़ाकर 200 रुपए करने की बात शामिल की गई है। इसके साथ ही हिलोपा ने बेरोजगारों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलने का ऐलान भी किया है। घोषणा पत्र में की गई घोषणा के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों को बंद किया जाएगा और सभी को रेगुलर नौकरियां दी जाएंगी। इसके साथ ही शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। रेगुलर नौकरियां दी जाएंगी, ठेकेदारी की जो प्रथा है इसको हम समाप्त करने के पक्षधर हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ता सुनिश्चित करेंगे। 25 से 35 वर्ष की आयु वाले बेरोजगार युवाओं व युवतियों को हम बेरोजगार भत्ता सुनिश्चित करेंगे व कम से कम 1500 से 5000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता सुनिश्चित करेंगे। ये शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा। सत्ता प्राप्ति के 60 दिन के अंदर यह व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। हिलोपा ने अपने घोषणा पत्र में लोकायुक्त की नियुक्ति को अन्ना हजारे के सहयोग से करने की बात को भी शामिल किया है। इसके साथ ही प्रशासनिक सुधार की बात को भी शामिल किया गया है। घोषणा पत्र में इस बात की घोषणा की गई है कि कर्मचारियों के तबादले के लिए एक नीति बनाई जाएगी और तबादला नीति को राजनीतिज्ञों के हाथों से बाहर रखा जाएगा। और अनेकों बार इसके लिए नीति का भी बनाई गई, लेकिन उसका अनुसरण कभी नहीं हुआ। विशेषकर जो दुर्गम क्षेत्र है हिमाचल के, जनजातीय क्षेत्र है, कई जगह तो पूरा बजट जो स्वीकृत होता वो खर्चा नहीं होता क्योंकि कर्मचारियों के अभाव में। इसलिए हमने कहा है कि नीति बनाकर विधानसभा की स्वीकृति के पश्चात कानूनी प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। बतवादले कानूनी प्रक्रिया से होंगे, राजनीतिक हस्तक्षेप का अंकुश लगेगा, ये हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी। हिलोपा ने एंट्री टैक्स को बंद करने की बात भी घोषणा पत्र में लिखी है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1000 रुपए प्रतिमाह करने, 12वीं कक्षा में 50% अंक लेने वाले छात्रों को लैपटॉप देने, राशन के साथ चाय और साबुन देने और देव समाज के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को भूमि देने की बात को भी शामिल किया गया है। हिलोपा ने आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने की बात को भी घोषणा पत्र में जोड़ा है। बंदरों पर जंगली जानवरों से जो फसल बर्बाद होती है उसको बचाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म व शॉर्ट टर्म नीति पर कार्य करेंगे। महेश्वर सिंह ने इस बात का विश्वास दिलाया है कि घोषणा पत्र मात्र एक छलावा नहीं है बल्कि सभी घोषणाओं को सत्ता में आने पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिलोपा गरीबों के साथ चलने वाली पार्टी है और घोषणा पत्र में गरीबों के उत्थान के लिए अनेकों घोषणाएं की गई हैं जिनको सत्ता में आने पर पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। भाजपा से बगावत कर नाचन से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे दामोदर चौहान ने भाजपा प्रत्याशी की गृह पंचायत में चुनावी कार्यालय खोलकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और कहा कि वह सिर्फ अपने समर्थकों के दबाव में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर दामोदर चौहान के साथ भाजपा के कई पूर्व पदाधिकारी भी नजर आए।
चुनावी माहौल गर्मा गया है और अब नेतागण अपनी ताकत दिखाने लग गए हैं। लोअर नाचन से संबंध रखने वाले दामोदर चौहान का अपर नाचन में भी खासा जनाधार है और जनाधार का शक्ति प्रदर्शन दामोदर चौहान ने चैल चौक में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करने के दौरान किया। चैल चौक में दामोदर चौहान का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दामोदर चौहान ने कहा कि वह आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और यह फैसला उन्होंने अपने समर्थकों के दबाव में आकर लिया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी, एक चुनौती मुझे दी है कि आप चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है क्योंकि पिछले 15 वर्षों से मैं लोगों के बीच में हूँ। मैंने हर पंचायत का भ्रमण किया है, एक बार नहीं कई की बार किया है। हर दुख में हर सुख में मैंने शरीक होने की कोशिश की है। कार्यकर्ताओं का भारी दबाव मेरे ऊपर इस वक्त है। ज्ञात रहे कि चैल चौक नाचन से भाजपा प्रत्याशी की गृह पंचायत है और यहीं से उनके पिता वर्तमान में पंचायत के प्रधान भी हैं। दामोदर चौहान के अनुसार उन्हें गत चुनावों में दिलेराम का समर्थन करने के बदले इस बार टिकट देने का आश्वासन मिला था और इसी आश्वासन के चलते उन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान एक लंबे समय से छेड़ रखा था, लेकिन हाईकमान ने उन्हें टिकट न देकर अब आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने को मजबूर किया है। परिस्थितियां हमारे अनुरूप हैं, हमारे पक्ष में है। आज जरूरत है कि हम उसको सही ढंग से कैश करें। नाचन की जनता की आज एक डिमांड दामोदर सिंह चौहान के रूप में सामने आई है। हम रात दिन एक करके जो जिम्मेदारी है कार्यकर्ताओं ने मुझे सौंपी कि आप चुनाव लड़ेंगे, मैं रात दिन एक करके पूरे नाचन चुनाव क्षेत्र का एक दोबारा भ्रमण करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि नाचन की जनता जो है वो इस वक्त इस बार ठीक निर्णय। अपर नाचन में शक्ति प्रदर्शन करके अपना जनाधार दिखाने वाले दामोदर चौहान घर घर जाकर वोट मांगने की कवायद में जुट गए हैं। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई पूर्व पदाधिकारी भी नजर आए। चैलचौक से के न्यूज के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। बल से भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करना भी शुरू कर दिया है। बीते रोज गांधी ने बल विधानसभा क्षेत्र की करीब आधा दर्जन पंचायतों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। गांधी ने इस मौके पर लोगों को अपनी प्राथमिकताओं से भी रूबरू कराया। बल से भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी इस बार अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुकाबला है कांग्रेस के मौजूदा विधायक प्रकाश चौधरी से। इंद्र सिंह गांधी ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क अभियान को गति दे दी है। पहले गांधी ने घर घर जाकर वोट मांगे और अब गांधी ने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर जनता को भाजपा सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराना शुरू कर दिया है। साथ ही गांधी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से विधायक बनने पर क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले विकास कार्यों का बखान भी कर रहे हैं। बल्कि प्राथमिकता है वो है स्केती खड को चैलेंज करना, उसका तटियाकरण करना। बाकी जो लेफ्ट बैंक से स्कीम संबंधित एरिया वंचित रह चुके हैं उनको प्राथमिकता देना, जैसे कि सिंचाई योजना, लिफ्ट इरीगेशन की बची है या पीने के पानी की जो स्कीमें बची है उनको जो प्राथमिकता के ऊपर करूँगा। बाकी जो बल में जो जैसे अन्य जो विकास कार्य हैं या व्यक्तिगत जो काम है उनको मेरी लोगों की प्राथमिकता रहेगी। बीते रोज इंद्र सिंह गांधी ने बल विधानसभा क्षेत्र की करीब आधा दर्जन पंचायतों सकरोहा, चवाड़ी, छपरोहल, गदरोड़, चतरोर, कांडी तारापुर और भड़ियाल में घर घर जाकर वोट मांगे और साथ ही नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वोट उसी को मिलेंगे जो हमारी पंचायत में जो काम रुके हुए हैं और वो काम जो है आगे को होना चाहिए, मैं यही बोलती हूँ। और मैं जो जितना मेरा सहयोग होगा उसी में से जो अपने गांव में जो महिलाएं और जो महिला मंडल की जो औरतें हैं मैं उनको जो है प्रोत्साहित करने का अपने जितनी मेरी हिम्मत होगी मैं उतने में उसमें काम करूँगी। जनता के सहयोग से, क्योंकि हम जनता के बीच में जाते हैं, टाइम टू टाइम जाते हैं, काम करवाते हैं
अब भी पिछली दफा जो प्रकाश चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ बलमंडल बल भाजपा से बल कांग्रेस से विजयी हुए थे, तब भी मेरे बूथ से भाजपा के उम्मीदवार की बढ़त थी। अब मैं कोशिश करूंगा कि उस बढ़त को तकरीबन 70-80% में ले जाऊंगा और बढ़ाऊंगा उसको, ताकि मैं इंद्र सिंह गांधी जी को यहाँ से हम सब कार्यकर्ता मिलजुल कर भी उनको विजयी बनाएंगे। इंद्र सिंह गांधी अपना नामांकन पत्र भरने के बाद अब पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद गए हैं और घर घर जाकर लोगों से मतदान की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, बलघाटी। भारतीय बहुजन पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसमें कांगड़ा से सुखविंदर, द्रंग से परमानंद और बल से रमेश चंद को टिकट दिया गया है। पार्टी की कोऑर्डिनेटर कंचन शर्मा का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा और साथ ही आने वाले लोकसभा चुनावों में भी भारतीय बहुजन पार्टी के प्रत्याशी प्रदेश की 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज के दिन जो है हमने प्रत्याशी जिनको उतारा हुआ है, ये एक है रमेश चंद्र जी बल से और परमानंद जी है द्रंग से। ये 2 प्रत्याशी है, इनको बढ़ चढ़ कर वोट दे के कामयाबी हासिल करवाना आप लोग के हाथ में है। 68 सीटों में हम दोबारा अगले आने वाले चुनाव में हम खड़े करेंगे और मेरा संघर्ष होगा आने वाले टाइम में। हम यहाँ से जितने भी एमपी के सीट है उनमें भी हम अपने प्रत्याशी खड़े करने की कोशिश करेंगे और जो भी पिछड़े वर्ग है उनकी काम नहीं हुआ हो, विकास नहीं हुआ हो, उसका हम घर घर में जाके स्वागत करेंगे। घर घर में जाके जो बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, छोटे बुजुर्ग है, जो भी छोटे बच्चे की जो पढ़ाई नहीं हो रहा है, हमारे नादान लोग हैं, अनजान लोग हैं, उनको रास्ता दिखाएंगे। हो सकता है तो हमारे जो समाज के लोग हैं और समाज सेवा में जुटे रहेंगे। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। हिमाचल प्रदेश में बज गया है चुनावी डंका, चुनावी हलचल में क्या रहेगा राजनीति का हाल, किसने किस पर किया वार, किसने किया पलटवार, पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए चुनावी हलचल के साथ के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिम मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर तथा इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सभी वर्ग के युवाओं के लिए मुफ्त में दिया जा रहा है, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना काम शुरू कर सकें या फिर कहीं रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेजेस, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहां उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो, येरा, यूरोका फोर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, BIP, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लाओपाला, कोरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स।
एक बार विजिट जरूर करें ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी, शॉप नंबर 94-95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए अश्लील महाभारत के मुद्दे पर अभी तक कोई उचित कार्यवाही न होने पर हिंदू संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। मंडी जिला उपायुक्त और एसपी मंडी से मिलने के बाद भी हिंदू संस्कृति रक्षा मंच को कोई उचित जवाब नहीं मिल पाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज करने के बाद आगामी कार्यवाही को अमल में लाया जा रहा है। मंडी के एक होटल में अश्लील महाभारत का फिल्मांकन करके उसे इंटरनेट पर डालने वाले आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स के खिलाफ अभी तक पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। एक महीने से भी अधिक का समय बीतने के बाद भी जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हिंदू संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से मुलाकात की, जिला प्रशासन को उचित कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा और उसके बाद SP मंडी से मुलाकात की, लेकिन SP मंडी से हिंदू रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। जिस तरह का आज SP साहब ने अपना दिया हुआ है इसके ऊपर, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। उनका जो जवाब है इस कार्रवाई के ऊपर वो एकदम बेकार सा है। हम चाहते हैं कि पुलिस इस केस में जल्द से जल्द कोई सशक्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू हिमाचल संस्कृति रक्षा मंच अपने बलबूते पर इस आंदोलन को आगे चलाएगा। हिंदू रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस इस मामले में जानबूझकर ढील बरत रही है, जिसकी वजह से ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ की पुलिस जो है वो किसी प्रकार का भी काम कर सकती है। आज उन लड़कों ने राज होटल में ये प्रोग्राम दिया है, मुझे लगता है कि कल को वो चौटे में प्रोग्राम देंगे और पुलिस जो है वो केस को इन्वेस्टिगेट करती रहेगी। जबकि इन दो एक्टों के अंदर, अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट टू लेडीज पब्लिक प्लेस के ऊपर, तत्काल वो आदमी गिरफ्तार होने चाहिए थे, तत्काल गिरफ्तार। SP साहब बोल रहे हैं कि लड़कियाँ नहीं आई मेरे पास, किसी ने कंप्लेंट नहीं की, इन्होंने या टीवी देखा नहीं, या टीवी देखा है तो आंखें बंद कर देखा है। जिस बात को पूरा शहर देख चुका है उसको पुलिस ने देखा, अब लड़की आएगी बताने के लिए कैसा हुआ है काम। उनको पता है कि यहाँ बाजू की पुलिस की इस प्रकार की है कि आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं। इतने संस्थाओं के बोलने के बाद भी पुलिस सबसे मस्त नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो कौन लड़की आके इनके पास कंप्लेंट करेगी, ये दुर्भाग्य है। वहीं SP मंडी अभिषेक दुल्लर का कहना है कि इस मामले में शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज कर दी है और पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। और FIR तुरंत कर दी गई है, इसमें कोई डिले नहीं हुआ है। FIR सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कोई भी इन्वेस्टिगेशन में, कि FIR रजिस्टर हो, शुरुआत उसी से होती है। तो FIR इसमें रजिस्टर हो गई है और FIR रजिस्टर होने के बाद हम इनसे डिटेल ले रहे हैं कि इसमें कौन कौन बंदे थे। जैसे इन्होंने ऑलरेडी भी उनको सजा दी हुई है, तो ऑलरेडी हमको पास, हमारे पास वो लिस्ट है, ये बंदे उसमें प्रेजेंट थे पॉसिबली। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर हिंदू संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर ढील बरतने का आरोप लगा रहे हैं। ज्ञात रहे कि इस मामले को लेकर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हिंदू संस्कृति रक्षा मंच का कहना है कि अगर जल्दी कोई कार्यवाही नहीं की गई तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। कांगड़ा जिले के 3 शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी, श्री ब्रजेश्वरी देवी और श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में 16 से 24 अक्टूबर तक शरद नवरात्रि मेले पारंपरिक ढंग से मनाए जाएंगे। इस बार श्रद्धालु श्री ज्वालामुखी और माता ब्रजेश्वरी के दर्शन इंटरनेट पर भी कर सकेंगे। यह जानकारी उपायुक्त कांगड़ा एवं आयुक्त मंदिर न्यास अधिकारी KR भारती ने दी। 16 से 24 अक्टूबर तक चलने वाले नवरात्रि मेले की जानकारी देते हुए उपायुक्त कांगड़ा KR भारती ने बताया कि श्री ज्वालामुखी और माता ब्रजेश्वरी के दर्शन इंटरनेट में गूगल पर जाकर divyindia.com टाइप कर लाइव दर्शन कर सकते हैं। भारती ने बताया कि मंदिर न्यास के पदाधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय पर किए जाएं। जिला में नवरात्र मेला तीनों शक्तिपीठों में चामुंडा माता, ज्वाला जी और ब्रजेश्वरी मंदिर हमारे कांगड़ा में जो है वहाँ 16 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक मनाए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत भीड़
इन नवरात्रों में इकट्ठी होती है उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के, सफाई व्यवस्था के, पार्किंग व्यवस्था और बिजली पानी सफाई सारे प्रबंध हमने सुनिश्चित कर लिए हैं। वहीं कांगड़ा पुलिस अधीक्षक दिलजीत ठाकुर ने बताया कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए तीनों मंदिरों के परिसर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं। दिलजीत ठाकुर ने बताया कि प्रत्येक शक्तिपीठ में 500 पुलिस जवानों के साथ साथ होमगार्ड के जवान भी तैनात रहेंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर पूरी नजर रखी जा सके। जो लोग मंदिरों में दर्शन के लिए आएंगे उनकी पार्किंग के लिए और उनके उनके जो जब वो यहाँ पर कांगड़ा जिला में रहेंगे उस वक्त उनकी सुरक्षा के लिए, इसके अलावा हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि ट्रैफिक अरेंजमेंट जो मंदिर और उसके आसपास पार्किंग के अरेंजमेंट जो है वो पूरा हो और ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चले, उसके लिए हमने ट्रैफिक के आदमी जो है वो भी तैनात किए हैं। गौर है कि शरद ऋतु नवरात्र मेले में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु विभिन्न राज्यों और विदेशों से आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपि बादल की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडॉन्टिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्थानीय भूतनाथ मंदिर में चल रही श्री राम कथा के अंतिम दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सदस्य राजवीर सिंह ने राम कथा में आए श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन किया। राजवीर सिंह ने बताया कि परमात्मा की कथा का आयोजन विश्व भर में किया जा रहा है और इस कथा का आयोजन निःशुल्क किया जाता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से सर श्री आशुतोष महाराज की तरफ से जो 5 दिन का जो यहाँ पे श्री राम कथा अमृत का कार्यक्रम रखा गया था, आज उसका अंतिम दिन है, यहाँ पे समाप्ति हो गई है आज। और यहाँ पे जगह जगह से श्रद्धालु जन जो पधारे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब जहाँ पे कथा सुनी आके अपना जीवन सफल किया और मंडी शहर वासियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया और ये हमारी जो श्री राम जी की कथा है सक्सेसफुल हुई, कामयाब हो गई, जिसमें काफ़ी श्रद्धालु जो काफ़ी जगह जगह से आगे पहुँचे हैं। तो मैं यही अंतिम में कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद मंडी शहर का। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।